नमस्कार साथियों, कल जो टेस्ट हुआ आपका 10 जून 2021 को, उसकी जो तीन टॉपर्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टॉपर्स जो हैं, उनका अनाउंसमेंट करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। लेकिन कल, जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी ने कॉलेज डेट्स, जो एग्ज़ाम डेट्स फिक्स कर दी हैं, उसके संदर्भ में आप लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि सर आपने तो टेस्ट सीरीज़ को शेड्यूल किया था दिसंबर 2021 तक और एग्ज़ाम डेट पहले ही आ गई, सितंबर में एग्ज़ाम है, तो अब क्या होगा, आपकी टेस्ट सीरीज कैसे होगी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आयोग ने डेट्स फिक्स कर दिए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अपने को अब जो है टेस्ट सीरीज़ की टाइमिंग, जो पहले 10 दिन पे एक टेस्ट था, उसको घटा के 7 दिन पे करना है, और आवश्यकता होगी तो उससे भी कम या 4 या 5 दिन में भी आपको एक टेस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कुछ पॉइंट्स में भी बढ़ोतरी की जाएगी कि जितने टॉपिक आप दिए जा रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। और यदि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जैसे जो आपकी टेस्ट रैंकिंग है वो अभी तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन यदि बाद में जो है इसमें प्रॉब्लम आएगी तो टेस्ट रैंकिंग के बजाय इसमें आपके प्रश्नों का स्तर बढ़ा दिया जाएगा। और फिलहाल आपका जो है कल या परसों तक आपको अपने जो जितने भी 25 व्हाट्सएप ग्रुप बन रखे हैं, प्रत्येक पे आपको वो शेड्यूल बता दिया जाएगा, और YouTube चैनल के माध्यम से भी आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा। तो ये तो बात हुई आपके टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के बारे में। अगला जो टेस्ट है, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे थर्ड पेपर का हो, निश्चित समय पे होगा, जैसा भी चल रहा है 10 दिन के बाद ही होगा। लेकिन इसके बाद के जो टेस्ट होंगे उनका शेड्यूल आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं कल के टेस्ट की। तो लगभग 1900 अभ्यर्थियों ने उसमें टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। तो उन 1900 विद्यार्थियों में जिन्होंने टेस्ट दिया, उसमें फर्स्ट टॉपर जो हैं वो जयपुर से राम सिंह जाट और भोपाल मध्य प्रदेश से रितिका शर्मा संयुक्त रूप से रही। रितिका शर्मा जिनके रजिस्ट्रेशन क्रमांक 4 हैं, और राम सिंह जाट जो जिनके रजिस्ट्रेशन क्रमांक 127 हैं, इन दोनों ने संयुक्त रूप से फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। 42.33 अंक दोनों को समान रूप से इस टेस्ट में मिले हैं, दोनों को बहुत बहुत बधाई। सेकंड पोजीशन रही आपकी चित्तौड़गढ़ से जितेंद्र कुमार जी सुथार हैं, 2080 उनके रजिस्ट्रेशन क्रमांक हैं और 36.83 अंक उनको मिले हैं, सेकंड पोजीशन पे रहे। और थर्ड पोजीशन पे जो हैं लक्ष्मी जी चौधरी हैं, जो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2016 वाली जो कॉलेज लेक्चर की स्कूल लेक्चर की जो एग्ज़ाम हुई थी, उन्होंने आल राजस्थान में 6th पोजीशन पे लक्ष्मी जी ने अपना स्थान बनाया था। हिंदी की लेक्चरर हैं अभी वो। 126वां इनका रजिस्ट्रेशन क्रमांक है और 36.65 अंकों के साथ इन्होंने थर्ड पोजीशन प्राप्त की है। इन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने टेस्ट रैंकिंग में इतनी अच्छी पोजीशन प्राप्त की है, बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जिनकी टेस्ट रैंकिंग ऊपर या नीचे हो रही है, वो अपनी रैंक को सुधारने का प्रयास करें, और एग्ज़ाम डेट्स बिल्कुल सामने हैं आपके, तो जितना दम है आप में उतना लगा दीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई हेल्प हमसे चाहिए आपको, तो आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। और ये आपका रिजल्ट था, और आपके शेष जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट शाम तक 7 या 8 बजे तक आपको अपने अपने ग्रुप्स पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।